अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे वालेकुम हैं सलाम। है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ही जो है ना मैं शरबत पी रही हूँ। कैल्शियम पी रही, शरबत पी रही है। कैल्शियम है, मीठा होता है, मीठा होता है, खट्टा भी होता है। सुबह सुबह जो है ना वो क्या पराठा खाया है ना, इसलिए अभी ये जो है ना ठंडा पीने का दिल कर रहा था। अब तक शहरात ने जो है ना नाश्ता नहीं किया, मैं 12 बजे करेगा। नान तो खा गई, रोटी क्या नहीं खा दी। हम जा रहे हैं लाहौर, नानी भी हमारे साथ जा रही है। आज मैं नहीं कहूँगी क्या रुसाना जो है ना, पहले जो कल हम जो है ना शाम को वीडियो शुरू की थी तो कहा था कि शाम तक नहीं जा सके जो है ना शॉपिंग करने, फिर आज जाएंगे। फिर सुबह को जो है ना वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे कि सुबह को आज शायद जाएंगे, फिर नहीं जा सके। फिर अब जो है ना वीडियो में कह दूँ, फिर शाम तक क्या पता अभी ज़्यादा चेंज हो जाए, ना जा सके। फिर आप कहीं चले जाओगे, फिर जो है ना रात हो जाएगी जब आओगे। और नानी नवी कार घेन की थी, पता है देखो है आज सरप्राइज है सारे की। तो दसी खाना पहले ए नहीं दसंदा केरी है जेडे आवे सी वाल दिखाए, ठीक है। आज कार आ जाएगी, न्यू कार न्यू नहीं है, 2021-22 मॉडल। कोई भी नहीं है, झूठ बोल रहा, मजाक कर रहा है। चलो फिर देख लेना अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। ऐसे हो जो ना बाहर खड़ी है आपका इंतजार कर रही है कि मुझे जो है ना अंदर आकर खड़ा। गुड़िया भी स्कूल गई है, गुड़िया वापसी आ जाए फिर ले आऊंगा कार। आज वैसे है भी आज फ्राइडे ना, क्या पता जुम्मे आए दुकाने बंद ना हो। आज हम पिज्जा खाने जा रहे हैं कार की खुशी में। आज मैं पिज्जा खिला रहा हूँ सबको, कार की खुशी में पिज्जा खिला रहे हैं। गुड़िया स्कूल से आ जाएगी फिर जाएंगे, जुम्मा पढ़ के जाएंगे पिछले टाइम। शाम को वैसे आज मौसम ठंडा है ना, हवा कैसी चल रही है। रात को कितनी सर्दी लगी है, रात को सर्दी होती है और जो है ना सुबह सुबह दोपहर को फिर गर्मी लगती है। मम्मी अभी खाना बना रही है। अम्मी अभी खाना बना, रोटियां बना रही है। आज आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमारे लिए? हाँ। कौन सा? अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तेरे सरप्राइज या जी बोले डर लग कर दे तेरे सरप्राइज की लो खौफनाक को ना खौफनाक तेरे सरप्राइज होने डर लग कर दे तो अभी दोपहर का टाइम है और किरण आ गई है इधर किचन में। यहाँ क्या कर रही हो किरण इस वक्त? चाय बना रही हो? सदा तो घर पे है नहीं। आज चाचा आई हुई है। वो असगर भाई, उनका यूट्यूब चैनल आप लोग देखते हैं, असगर भाई और उनकी वाइफ आई हुई है और वो इनके सके चाचा और चाची है किरण के, वो इधर आए हैं ना सिकंदर भाई की मम्मी से मिलने के लिए आई है ना। हाँ, उनके मम्मी बीमार थी। वो कल भी हमने वीडियो में बताया था कि सिकंदर भाई की जो मम्मी है ना वो गिर गई है और उसके ना टांग में काफी जख्म चोट आ गई है, टूट गई तकरीबन, वो ऑपरेशन के लिए आज जा रही है। तो जो वाइफ है ना उसकी असगर भाई की, तो वो इसकी सिकंदर की बहन है, इस वजह से वो अपनी अम्मी के पूछने के लिए आई है, अपनी अम्मी के पास आई है। तो फिर ये भी तो भतीजी है, तो उन्होंने कहा कि हम किरण को भी मिल के जाते हैं। तो अभी हम आप लोगों को असगर भाई और उनकी वाइफ से मिलवाते हैं और काफी दिन हो गए उनके साथ वीडियो भी नहीं बनाए, क्योंकि जब वो हमारी शादी थी ना जाते ना फिर टाइम ही नहीं मिलता, घर वापस आ जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर जब शहजाद की शादी थी ना उन दिनों उन्होंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद फिर वो आते हैं हमारे पास, लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाई हमने। आज हमने सोचा चलो उनके साथ थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। पानी दिया उनको, मिलवाती हैं उनसे। वो अम्मी के साथ, मेरी अम्मी के साथ गप शप लगा रही है। हाँ दीपी, हाँ दीपी, हाँ तो ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, उनके बेटे हैं। हाँ ठीक, अल्लाह का करम, रब का करम। हम आए थे वो इधर सिकंदर भाई के घर, बेगम साहिबा की अम्मी जो है ना वो गिर गई थी, उनका ये
टांग में जो है ना वो मसला, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा। चाय भी लेकर आ गई है जी। अब आप शुरू हो जाए बोलने के लिए। असगर भाई मेरी तरह इतना बोलते हैं ना। अच्छा, मेरी पूरी बरादरी में ये मुझ पे इल्जाम लगाया जाता है कि असगर भाई बोलते ज्यादा है, तो मैं खामोशी से चाय पीता हूँ, तुम आपस में सब बातें करो। नहीं नहीं, आप बोले हमारी वीडियो पूरी करें। अच्छा, मैंने वीडियो पूरी करी। हमने वीडियो पूरी करी। आप ये बताए वो कुछ भी पता होती है। ऐसा नहीं, ये कप ले लें फिर मैं बोलता रहता हूँ, ये कहीं गिरने चाहिए। नहीं नहीं, आप थोड़ी थी, दो खजूरें थोड़ी थी हमारे पास, आई थी भिजवाई थी। बाकी जो दो खजूरें थी उनको बोरा नहीं डाला था इस साल, तो मसला बन गया उसमें, वो खस हो जाती है बगैर केकड़े वाली चीजें बोलते हैं। वो तो लगी हुई है, ऊपर ही है अभी, उसको उतारा भी नहीं है। वैसे कि वैसे बच्चे साथ में जो है, और सब बच्चे जो भी हमारे घर में हैं तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। और बच्चे ठीक हैं? जी जी, सब खरी अल्लाह का। बेटियां ठीक हैं? बेटियां भी ठीक हैं। मौसम इस साल इतना गर्म था कि बाई चांस ये तो हादसा बन गया और हमें आना पड़ा, वरना इस गर्मी में सफर भी नहीं होता। मोटरसाइकिल पे आई हो? हाँ, मोटरसाइकिल पे आई। तो हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी तो है नहीं कि बेगम साहबा को उसमें बिठा के हम जो। और सुनाया सर भाई, वो चैनल कैसे चल रहा है अब आपका? चैनल आप देखते नहीं है हमारी वीडियो? देखते हैं। तो आप जाती कर रही हैं? नहीं देखते हैं, जब वीडियो आती है ना हम उस वक्त देखते हैं, पता नहीं चलता हमें कि कितने पे गई है। दो दिन बाद देख के ना फिर पता चले कितने पे गई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, जो भी जितने भी हमारे बहन भाई देखने वाले हैं तो उतने व्यूज आ जाते हैं, और घर का गुजर बसर भी चल रहा है, रब का करम है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। थोड़ी सी फसल भी लगाई है जो ठेके पे हम काश करते हैं, एक एकड़। इसके अलावा एक भैंस भी है। और शहजाद को भी अब ना वो जानवरों का शौक चढ़ा हुआ है, उन्होंने जमीन ली है कहीं से। हाँ, अच्छी बात है। तो वो कहते हैं कि मैं बछड़े लूंगा, बछड़े लूंगा। दूध के लिए कम से कम एक जानवर होना चाहिए। एक तो हमारे पास है दूध के लिए, वो कहते हैं कि दूसरे। हम चाहे विलेज में रहते हैं लेकिन दूध आज के दौर में लाजमी है हर घर में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, चाय के लिए, कुछ भी हो दूध पीना, और चाय बनाने के लिए मेहमान भी आ जाते हैं। तो बाहर से खरीदा हुआ तो फिर आपको पता है। और वैसे हमारा घर जैसे आप लोगों के देहात में घर है ना, तो हमारे भी देहात में घर है, यहाँ आसानी से कोई मिलता भी नहीं है, बाजार जाना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत घर बना लिया है माशाल्लाह। अल्लाह दुआ करें कि शहजाद को अल्लाह ताला इतना दे के वो अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, सबका, हम सबका सहारा बन सके। वो कोशिश तो कर रहा है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा और भी देगा इंशाल्लाह। अब उनको उन्हें बस एक ही शौक चढ़ा हुआ है, कहते बस मैं जानवर पालूंगा। हाँ, जानवर एक अलग जगह बनाए और उसमें जितने जितना काम कर सके उतने जानवर रखे, ज्यादा नहीं, एक दो जानवर रख ले बस, तो मियां बीवी लगे रहेंगे। नहीं ये तो नहीं करती। अभी नहीं करती, पता नहीं बाद में करे तो करे। नहीं करेंगे क्यों नहीं, जब सर पे काम आएगा ना, सर पे कोई भी काम डालोगे तो करेंगे। अगर नहीं लोगे जानवर तो सारी जिंदगी ऐसे ही फिर कहेंगे कि हमने नहीं करना। हमने तो सारी जिंदगी ऐसी मेहनत मजदूरियां की है ना, मैंने मेरी कजन जी मेरी है बीच बैठी है ना, अभी मैं 50 साल की बेटी है, 50 साल के करीब मेरी उम्र है और 43-44 साल बेगम साहबा की उम्र है, तो हम अभी भी चारा काटते हैं, अभी भी जानवरों की हम ही करते हैं, बेटियों को हम काम नहीं बताते। मेरे दोनों बेटे छोटे हैं तो हम दोनों करते हैं, अल्लाह का करम। मैं भी खुद करती हूँ, गए मैं खुद घास काटने जाती हूँ, कभी नहीं। हमने अपनी बच्चियों को कोई काम नहीं बताया, बाहर का जो भी काम हो, जानवरों का हो, कोई भी हो, वो हम खुद करते हैं। बेगम साहबा मेरा साथ देती है, उनके वहाँ जानवरों का काम नहीं करती थी ना, इधर भी ये जानवरों का काम नहीं करती, घर का काम करती है। चलो अच्छा है, एक जानवर से प्रैक्टिस हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। इनको मैं कहते हैं अभी गाय के करीब जाओ, गाय के करीब जाओ, करीब ही नहीं जाती अभी। गोबर उठाने का पता भी चल जाएगा, और वो रेडी नहीं होती हाथ वाली, उसको चलाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चारा काटने की, भरी उठाने की, तूड़ी उठाने की, तो ये सब काम करने से होते हैं। अल्लाह करम करे बस। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। आप आए हमारी वीडियो में बोला इतना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे असगर भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे तो सबके भाइयों की तरह हैं, क्योंकि मेरे मियाँ के दोस्त भी थे, जब मेरे मियाँ होते थे ना सब वो इधर आते जाते थे। जब भी मेरा साल बाद चक्कर लगता है तो अभी भी सिकंदर भाई जल्दी में थे, वरना वो भी वीडियो बनाते आज, लेकिन उन्होंने वीडियो आज नहीं बनी। मैंने उनको कहा था कि अगर आपने वीडियो बनानी है तो मेरा कोई इतराज नहीं, लेकिन
आपने कहा, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, आप बनाए वीडियो, इसमें क्या बात, कोई भी ऐसे बात नहीं है, हम रिश्तेदार हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला इतनी जिंदगी दे कि अपनी इनकी बच्चे हैं माशाल्लाह से, तीन बच्चे हैं, ये अपनी बच्चियों को संभाल सके, अपने बच्चों का वो है जो फर्ज अदा कर सके। अब इनकी तीन बेटियां इनके घर बैठी हैं और इनके बेटे भी छोटे हैं, ये देखो ये दो बेटे हैं इनके। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल। आमीन। तो मैं गया था जुम्मा पढ़ने के लिए, तो अभी वापसी आ गया हूँ। तो ये देखिए लगता है कोई मेहमान है। कौन है वो? जो ना चाची और चाचा आए थे अभी थोड़ी देर पहले आए थे। कौन? माँ मसलर? हाँ, वो ना उसकी अम्मी बीमार थी ना, अभी चले गए। हाँ, फिर अभी चले गए उधर, फिर वो गए हैं ना अपने वो दूसरी बहन के पास भी। माँ सिकंदर के घर आए थे वो। हाँ, सुबह कह रही थी इधर आए थे, फिर अभी जो ना उधर गई है अपनी दूसरी बहन के घर। वीडियो बनाई है उनके साथ? हाँ, वीडियो बनाई है, नहीं खराब है या सही है, ऐसे हमने जो ना बनाई है कैमरा वाले। अब क्या पता सही बन गया या नहीं बने, अभी मैं चेक करता हूँ। अभी जो है ना हम मैंने जाना भी है, भूलना था फिर। किधर जाना है? अभी आज आप लोग सरप्राइज था, थोड़ा लेट हो गया, शाम तक होगा फिर। सुबह जो पता नहीं क्या क्या होता है, हम सुबह जो है ना कौन सी वीडियो शुरू करते हैं और थंबनेल पता नहीं आकर कौन सा एंड में बन जाता है। सुबह सरप्राइज की बात हो रही थी, अब जो सरप्राइज भी शाम तक आ जाएगा बस। तो इसके साथ ही वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया काम से आप फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।